अनुपमा सीरियल में इन दिनों टेंशन के माहौल के बीच काव्या के बेबी शावर की खुशियां चल रही हैं। आने वाले बच्चे की खुशी में काव्या की गोद भराई हो रही है, जिसके लिए सभी लोगों ने सज धज के इस फंक्शन में शिरकत की है। जहां सभी काव्या खुश हैं काव्या के लिए, लेकिन दूसरी ओर काव्या कुछ छिपा रही है और अपने मन से ही नहीं लड़ पा रही। काव्या को गिल्ट फील हो रहा है कि वो वनराज से झूठ बोल रही है। वो अपने आप से ही सवाल करती है कि इसे वनराज को सारा सच बता देना चाहिए, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काव्या अब अपनी ही कश्मकश में फंसी है, पर इसी बीच बेबी शावर शुरू होता है और अनुपमा काव्या की नज़र उतारती है और कहती है कि चेहरे पर निखार आ गया है। बाबी वनराज और काव्या की नज़र उतारते हैं, लेकिन काव्या के चेहरे पर एक मायूसी सी रहती है, जिसके पीछे की वजह यह है कि काव्या के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो वनराज का नहीं है बल्कि अनिरुद्ध का है। जी हाँ, काव्या अनिरुद्ध के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और ये वो सच्चाई वनराज को बताना चाहती है, लेकिन वो अगर ये सच्चाई बता देगी तो वनराज उसे छोड़ देगा। इसलिए आने वाले एपिसोड में ये सच्चाई काव्या रोते हुए अनुपमा को बताएगी कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है। ये बात सुनकर अनुपमा तो काफ़ी शॉक्ड रह जाएगी। अब अनुपमा काव्या के इस राज के बारे में जानकर क्या करती है, क्या वो इस राज को छुपाएगी या फिर वो सब कुछ सच बता देगी, ये देखने आने वाले एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि काव्या के बच्चे की सच्चाई जानकर अनुपमा का अगला कदम क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।